मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम है आपको मेरे चैनल में। आज मैं सर्किट थ्योरी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूँगा, जो आपको बेसिक को एकदम ठीक करेगा। लेक्चर को अंत तक देखिएगा, आपका जो कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आज हम बात करने जाने वाले हैं वोल्टेज ड्रॉप, उसके कैलकुलेशन के बारे में, कि किसको हम वोल्टेज को पॉजिटिव ड्रॉप पकड़े, कि कब नेगेटिव ड्रॉप पकड़े। तो दोनों नोड दिया हुआ है, उसके बीच में कैसे वोल्टेज निकाले। ज़्यादातर डिप्लोमा लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो MCQ में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले इसके लिए हमको थोड़ा दो तीन जानकारी आपको देना है पहले, कि आपको मालूम ही है कि हम लोग वोल्टेज सोर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कभी कभी, और कभी कभी इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों ही एक ही बात है। ऐसे अगर गोल गोल सोर्स देके रिप्रेजेंट किया हुआ है, डीसी वोल्टेज है, सभी डीसी वोल्टेज है, ठीक है। तो इसमें गोल दिया होगा तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव देना ही है अलग से, और ऐसे दिया होगा तो मालूम ही है हमको कि बड़ा वाला जो है ये पॉजिटिव है और छोटा वाला जो है नेगेटिव है। हम इधर पर देते हैं। अब आप पकड़िए कि एक लाइन है, लाइन में बहुत सारा वोल्टेज सोर्स है, रेजिस्टेंस है। तो इसमें हम लोग क्या पकड़ते हैं कि अगर वोल्टेज सोर्स से ऐसे करंट निकलेगा, मतलब करंट क्या नेगेटिव से निकल रहा है, तो ये अगर 2 वोल्ट है तो हम पकड़ेंगे कि इस वोल्टेज सोर्स का वैल्यू है -2 वोल्ट, ठीक है। सेम अगर करंट ऐसे जा रहा है, मतलब पॉजिटिव से करंट निकल रहा है, देन विल कंसीडर इट एज प्लस वोल्ट, ठीक है। चलिए तो अब रेजिस्टेंस में आते हैं। ये अगर हम एक रेजिस्टेंस पकड़ेंगे, पकड़े कि एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इसका आर ओम रेजिस्टेंस है, इसमें अगर करंट आ जाएगा तो यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो इसको ओम्स लॉ से हमको मालूम है वोल्टेज लॉ क्या होता है। तो ये वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वी इज इक्वल टू आई इंटू आर होगा। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये रेजिस्टेंस इतना अमाउंट ऑफ वोल्टेज को खा जाएगा। पकड़िए कि आपका इधर अगर 100 वोल्ट होगा तो इधर पे कितना होगा? इधर पे होगा आपका 100 -IR। मतलब पकड़िए कि आर अगर 2 ओम हुआ, आई अगर 5 एम्पियर हो, तो 10 वोल्ट इधर पे रेजिस्टेंस खा जाएगा, इधर पे 90 वोल्ट ही बचा रहेगा। मतलब ये जो सर्किट में रेजिस्टेंस का जो ड्रॉप है आई इंटू आर, ये क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है? ये नेगेटिव वोल्टेज कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब ये वोल्टेज खा जा रहा है। तो अगर पोलैरिटी हमको देना है, अगर हमको पोलैरिटी देना है तो हम कैसे दे सकते हैं? ये वोल्टेज खा रहा है, मतलब ये नेगेटिव वोल्टेज ऐसा होगा, मतलब करंट ऐसे दौड़ रहा है, तो इधर पे नेगेटिव होगा, इधर पे पॉजिटिव होगा। समझ में आया बच्चों? ध्यान से देखिएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये एक रेजिस्टेंस है, इसके इधर पे वोल्टेज 100 वोल्ट है, इधर पे कितना वोल्टेज होगा? इधर पे रेजिस्टेंस क्या करेगा? वोल्टेज खा लेगा। कितना वोल्टेज खा लेगा? IR वोल्टेज खा लेगा, तो बाकी वोल्टेज इधर पे बचा रहेगा, ठीक है। पोलैरिटी कैसे आएगा? पोलैरिटी करंट जहाँ से निकलेगा रेजिस्टेंस में, ऑलवेज वहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज आएगा। क्यों नेगेटिव पोलैरिटी आएगा? क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस वोल्टेज को खा लेता है, ठीक है। चलिए हम छोटा सा एक प्रॉब्लम करते हैं ये दोनों कॉन्सेप्ट से। पकड़िए कि एक सर्किट दिया हुआ है, ऐसा एक सर्किट दिया हुआ है, ऐसे एक सर्किट दिया हुआ है, ये ए है, ये बी है। आपसे निकालने के लिए बोला है वी ए बी क्या है, व्हाट इज वी ए बी, व्हाट इज वी ए बी, ठीक है। हम आर्बिट्री वैल्यू डाल लेते हैं, इसमें 2 ओम डाल लेते हैं, इसमें 4 ओम डाल लेते हैं, इसमें पकड़िए कि 10 वोल्ट डाल लेते हैं, इसमें 3 वोल्ट डाल लेते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए
अब हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। पकड़िए कि दिया हुआ है यहाँ पे करंट जो रहा है दौड़ रहा है, ये है 2 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है। तो पहला काम होगा हम लोगों का वोल्टेज का पोलैरिटी देना। ये तो गिवेन है, इधर पे प्लस माइनस, ये माइनस प्लस है, ये दोनों तो गिवेन है, ठीक है, ये दोनों गिवेन है। अभी अगर आप इसमें 2 ओम और 4 ओम में, ये दोनों में वोल्टेज ड्रॉप ही होगा, मतलब यहाँ पे 2 2 4 नहीं, 2 4 8 वोल्ट, तो इधर पे 8 वोल्ट का ड्रॉप होगा, इधर पे 8 वोल्ट का ड्रॉप होगा। ड्रॉप मतलब करंट ऐसे दौड़ रहा है तो करंट नेगेटिव से निकलेगा, इधर पे भी करंट नेगेटिव से निकलेगा, और कितना वोल्टेज आएगा, 2 2 4 वोल्ट आएगा, ठीक है। मतलब इसको अगर हम इसका सर्किट ड्रॉ करेंगे तो ये देखने में ऐसा होगा, ठीक है। देख लीजिए पोलैरिटी को चेक कीजिए, पोलैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, ठीक है। अभी 3 वोल्ट तो ऐसे ही था, चलिए इधर पे 8 वोल्ट को ऐसे है और ये 10 वोल्ट कुछ ऐसे है, तो ये 4, ये 3 और ये 8 और इधर पे 10 है, तो ये तीनों एक जैसा है, ये तीनों एक जैसा है और ये दूसरे तरीके का है। तो एक जैसा वोल्टेज को हम ऐड करेंगे, मतलब 8 प्लस 4 12 प्लस 3 15 हो गया, तो आपका 15 वोल्ट ऐसे होगा। पोलैरिटी ऐसे क्यों डाले हम, क्योंकि ये तीनों सेम है, इसका ऐड करने से भी सेम पोलैरिटी आएगा, ठीक है। देखिए 15 वोल्ट आ गया, अभी इधर पे कितना है, 10 है, चलिए इधर पे ए इधर पे बी, ये हो गया आपका, ये तीनों को मिला के 15 वोल्ट और इसको 10 वोल्ट। चलिए अब चेक करेंगे, फाइनल चेक करेंगे, ये हो गया 15, ये 10 उल्टा लगा हुआ है। कैसे कैसे उल्टा लगा हुआ है, आप अगर थ्रू जाएंगे, देखिए इसका नेगेटिव से निकल रहा है, इसका पॉजिटिव से निकल रहा है थ्रू जाने से, तब 15 माइनस 10 आपका आ जाएगा 5 वोल्ट। बड़ा कौन है, ये बड़ा, तो ओवरऑल जो पोलैरिटी आएगा, ओवरऑल जो पोलैरिटी आएगा ये इसके तरह होगा, क्यों, क्योंकि ये बड़ा है, तो 5 वोल्ट आ गया। ए बी प्लस, देखिए ए पॉजिटिव से कनेक्टेड है, बी नेगेटिव से कनेक्टेड है, मतलब वी ए बी जो आएगा, वी ए बी पॉजिटिव आएगा, तो वी ए बी का आंसर कितना हुआ, वी ए बी का आंसर हुआ आपका 5 वोल्ट, ठीक है। अगर उल्टा आता, इधर पे पॉजिटिव इधर पे नेगेटिव आता तो क्या होता, वी ए बी -5 वोल्ट लिखते, ठीक है बच्चों। चलिए तो ये अगर आपको समझ में आया, तो मैं 2 होमवर्क दे रहा हूँ, अपने से करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा अगर आपको समझ में आया तो, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपका असाइनमेंट, चलिए 2 एम्पियर दौड़ा दे हम, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, ये 5 ओम है, ठीक है। चलिए ये 100 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, ए बी, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में सेम ही क्वेश्चन है, इधर से 1 एम्पियर करंट जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 डालते हैं, VxY, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक में के बारे में बात करेंगे, आज के लिए
इतना ही। आपका दिन शुभ है।